प्रार्थ्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, आज रक्षाबंधन का त्योहार है। भारत में प्रत्येक महीने में, प्रत्येक वर्ष में अनेक त्योहार आते हैं, जैसे दीपावली, महावीर जयंती, अक्षय तृतीया, पर्युषण महापर्व, रक्षाबंधन, भैया दूज आदि अनेक त्योहार आते रहते हैं। उनमें एक त्योहार है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन एक ऐसा त्योहार है जिसे सभी मनाते हैं, जैसे दीपावली त्योहार को सभी पूरे भारतवासी मनाते हैं, वैसे ही रक्षाबंधन के त्योहार को भी सारे भारतवासी मनाते हैं। भारतवासी चाहे अमेरिका में रहते हो, चाहे जापान में, चाहे जर्मनी में, चाहे लंदन में, कहीं पर भी रहते हो, इस त्योहार को सभी मनाते हैं। रक्षाबंधन एक ऐसा पवित्र त्योहार है जिसमें भाई बहनों का जो प्यार होता है, जो स्नेह होता है, इसको प्रकट किया जाता है रक्षाबंधन के माध्यम से। बंधन यानी आज के दिन बंधन को तोड़ा जाता है। सपोज भाई बहन के बीच किसी भी कारण, किसी भी प्रकार का मन मुटाव हो गया हो, लेकिन रक्षाबंधन के दिन उन सबको भूल करके बंधन को तोड़ देते हैं। राग द्वेष के जो बंधन होते हैं उनको तोड़ करके वो पवित्र स्नेह अपने भाई के प्रति वो व्यक्त करते हैं। तो रक्षाबंधन त्योहार क्या है? रक्षाबंधन हम जानेंगे। रक्षाबंधन क्या है? तो रक्षाबंधन यानी रक्षा का त्योहार। हमें रक्षा करनी है, तो रक्षा किसकी करनी है? तो रक्षा की परंपरा दो प्रकार से होती है। कौन कौन सी? पहली परंपरा है लौकिक, दूसरी है लोकोत्तर। तो लौकिक परंपरा में क्या होता है? बहन भाई को राखी बांधती है। जो हम देखते हैं आज के दिन यानी रक्षाबंधन के दिन, प्राय सभी बहनें अपने भाई को राखी बांधती हैं। यदि भाई गांव में है तब तो उनको बांधने के लिए बहन उनके घर जाती है। यदि भाई गांव में नहीं है, दूसरे गांव में रहते हैं, दूसरे सिटी में रहते हैं, तब बहन क्या करती है? अपनी राखी को पोस्ट में भेजती है। अभी पता नहीं, हमारे टाइम में तो हम ऐसे करते थे, हमारे भाई बाहर रहते थे, हम पोस्ट से उनको राखी बांधते थे, भेज करके बांधते थे। तो वैसे ही, और उस समय तो ऐसा भी होता था, घर घर में ब्राह्मण आते थे राखी को बांधने के लिए। बहन तो भाई को बांधती थी, लेकिन ब्राह्मण भी क्या करते थे, घर घर में आकर के रक्षा पोटली बांध करके जाते थे। तो रक्षा पोटली का मतलब क्या होता है? बहन भाई को राखी बांधती है। तो बहन क्या शुभकामना करती है? भाई के प्रति तुम चिरायु हो, दीर्घायु हो, उसके लाइफ में लॉन्ग लाइफ की कामना करती है, गुड हेल्थ की कामना करती है, तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, तुम दीर्घायु हो, चिरायु हो, यह सब कामना करती है राखी बांधते समय। और भाई भी रक्षा के समय क्या बोलता है? राखी बांधता है। उस समय जब बहन भाई को राखी बांधती है तब भाई कहता है, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, कैसी भी परिस्थिति तुम्हारे सामने आएगी, लेकिन उस समय मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए उपस्थित रहूंगा। तुम्हारे जीवन में मैं किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आने दूंगा, किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं आने दूंगा। द्रौपदी ने श्री कृष्ण जी के हाथ में रक्षा पोटली बांधी थी। तो श्री कृष्ण जी ने क्या किया? जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, उस समय श्री कृष्ण जी ने उनकी रक्षा की। रक्षा क्यों की? क्योंकि द्रौपदी ने उनके हाथ में रक्षा पोटली बांधी। एक प्रकार के श्री कृष्ण जी उनके भाई बन गए। तो भाई का कर्तव्य होता है, जब बहन समस्या में हो उस समय भाई क्या करता है? बहन की रक्षा करता है। श्री कृष्ण जी ने इसीलिए द्रौपदी की रक्षा की थी, क्योंकि चीर हरण हो रहा था, चीर लंबा लंबा होता जा रहा था। उस समय श्री कृष्ण जी आकर के उनकी रक्षा करते हैं। और इंद्र, इंद्राणी के लिए भी कहा जाता है, इंद्र ने
इंद्र को इंद्राणी ने क्या किया था, रक्षा पोटली बांधी कि आप विजयी बनो, आप युद्ध में जा रहे, आपकी विजय हो जय हो, ऐसा करके इंद्राणी ने इंद्र के हाथ में रक्षा पोटली बांधी और शुभ भावना के परिणाम स्वरूप इंद्र की जय होती, विजय होती है। जब कभी भी कोई भी समस्या होती इंद्राणी को, इंद्र उनकी रक्षा करने के लिए उपस्थित हो जाते थे। तो ऐसे कई घटना प्रसंग है, जो भाई है वो बहन की रक्षा करते हैं और बहन भी अपने भाई के प्रति शुभ कामना प्रेषित करते हैं। यह तो होगी लौकिक रक्षा। दूसरी प्रकार की रक्षा है लोकोत्तर रक्षा। लोकोत्तर रक्षा में क्या किया जाता है, आत्मा की रक्षा पर बल दिया जाता है कि हमें अपनी आत्मा की रक्षा करनी चाहिए। भगवान महर्षि स्वामी कहते हैं, अप्पा खलु संयम रखी अव्वो सबिंदे हिंस समाई एहिम अरख्यु जाई पहुई सुरख्यु सब दुहान मुच्छई। तो दस वैकालिक सूत्र की जो चूलिका है उसमें भगवान महर्षि स्वामी कहते हैं, अप्पा खलु संयम रखी अव्वो, आत्मा की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि बाकी रक्षा तो क्या है, परमानेंट नहीं, आत्मा की रक्षा करते वो परमानेंट है। आचारांग सूत्र में तो यहां तक कहा गया कि नालम तव तारणायवा शरणायवा, तुम्हारी कोई भी रक्षा नहीं कर सकता है, तुम्हें कोई भी बचा नहीं सकता है, और तुम भी किसी की रक्षा नहीं कर सकते हो और तुम्हें भी कोई भी बचा नहीं सकता है। निश्चय ने की दृष्टि से देखे तो कोई भी किसी को बचा नहीं सकता है, कोई किसी की रक्षा नहीं कर सकता है। इसलिए आचारंग सूत्र में जो सूत्र कहा गया, नालम ते तव ताणायवा शरणायवा, कोई भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता है और तुम भी किसी की भी रक्षा नहीं कर सकते हो। एग्जाम्पल आता है अनाथी मुनि का। जब अनाथी मुनि बीमार हो गए, आंखों में भयंकर वेदना हो जाती है, उस समय उनकी वेदना को दूर करने के लिए, उनके आंखों में भयंकर पेन हो रहा था, दर्द हो रहा था, उसको दूर करने के लिए अनेक वैद्य बुलाए जाते हैं, अनेक डॉक्टर्स बुलाए जाते हैं, और माता पिता, उनकी पत्नी, बच्चे, भाई सभी मनोती रहते हैं, यदि अनाथी की आंखों में जो वेदना है यदि दूर हो जाएगी तो हम कुलदेवी माता के दर्शन करेंगे, कोई बोलते हम प्रसाद चढ़ाएंगे, अलग अलग मनोती मनाते हैं, सब डॉक्टर आते हैं, वैद्य आते हैं, लेकिन कोई भी अनाथी मुनि की वेदना को दूर नहीं कर पाते हैं। अनाथी मुनि भयंकर वेदना से तड़प रहे थे, उस समय उन्होंने संकल्प किया। कहा जाता है संकल्प से सिद्धि होती है, सपने कभी पूरे नहीं होते हैं लेकिन संकल्प कभी अधूरे नहीं रहते हैं। तो अनाथी ने भी संकल्प किया, यदि मैं इस वेदना से मुक्त हो गया, मेरा पेन यदि दर्द समाप्त हो गया, तो मैं सुबह होते ही जैन धर्म की जो दीक्षा है उसको मैं स्वीकार करूंगा, ऐसा संकल्प करके अनाथी मुनि सोते हैं। और संकल्प का चमत्कार देखो, देखते ही देखते रात जैसे जैसे बीतती जा रही है, उनका जो दर्द था आंखों में, वो जो पेन था भयंकर, वो धीरे 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 करके सारा समाप्त हो जाता है, एकदम आराम से नींद आ जाती है, पीसफुल नींद हो जाती है, और जैसे ही सुबह होते एकदम स्वस्थ हो गए। तो माता पिता कहते, हमने मनोती ली थी माता जी की, कुलदेवी माता की, इसीलिए आप स्वस्थ हो गए। कई बोलते हैं, हमने प्रसाद चढ़ाई थी आपके लिए, बोला था कि हम 5 किलो लड्डू चढ़ाएंगे कुल देवता को, इसीलिए आप ठीक हो गए। कोई बोलते, वैद्य जी ने आपको दवाई दी थी इसलिए ठीक हो गए। लेकिन अनाथी ने क्या कहा, किसी ने भी जो भी किया किसी से भी नहीं हुआ है, मैंने तो धर्म की शरण स्वीकार की थी, आत्मा की शरण स्वीकार की थी, जैन धर्म की शरण स्वीकार की थी, जैन धर्म ने ही मेरी रक्षा की है, मुझे बचाया है, इसीलिए मैं सूर्योदय के साथ ही जैन दीक्षा स्वीकार करने वाला हूँ। जो कभी धर्म ध्यान नहीं करते थे, जिनकी धर्म के प्रति कोई रुचि नहीं थी, आस्था नहीं थी, लेकिन एक ऐसी वेदना आंखों में आई जिन्होंने उनके मानस को बदल दिया और वो जैन धर्म को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गए, उन्होंने जैन भागवती यानी मुनि दीक्षा स्वीकार कर ली। तो लोकोत्तर रक्षा में क्या किया जाता है, आत्मा की रक्षा की जाती है। आत्मा की रक्षा
निश्चय नहीं से तो हम स्वयं ही कर सकते हैं, व्यवहार नहीं से हम बोलते कि हमारे माता पिता ने हमारे लिए ये किया, हमारे फ्रेंड सर्कल है वो हमारी रक्षा करते हमें बचाते हैं, व्यवहार नहीं से हम एक दूसरे को बचाते हैं रक्षा करते हैं, लेकिन अध्यात्म की दृष्टि से हम चिंतन करें तो हमें कोई भी बचाने वाला नहीं है, हम स्वयं ही अपनी आत्मा की रक्षा कर सकते हैं। हम अपनी आत्मा की रक्षा कैसे करें तो भगवान महर्षि स्वामी कहते हैं संयम और त्याग के माध्यम से हमें अपनी आत्मा की रक्षा करनी चाहिए। जितना जितना हम संयम करेंगे, संयम किसका करना है, हमें पांचों इंद्रियों का और मन का संयम करना है, क्योंकि हमारी इंद्रियां इतनी खुली है, उनको अच्छे अच्छे शब्द अच्छे लगते हैं, रूप अच्छे लगते हैं, पांचों इंद्रियों के जो विषय हैं शब्द रूप रस गंध और स्पर्श उनको ही वो चाहती हैं। यदि हमारे सामने शब्द अच्छे नहीं होते हैं, रूप अच्छा नहीं होते हैं, हम तुरंत ही रिएक्शन करते हैं, देखो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं गाते, इनकी वॉइस कैसी है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। हमें क्या करना है, पांचों इंद्रियों को संयम करना है, क्योंकि हमारी इंद्रियां हैं खुली हैं, उनके सामने शब्द भी आएगा, अच्छे शब्द भी आ सकते हैं, बुरे शब्द भी आ सकते हैं, कभी कभी होते हैं कानों के इतने अच्छे शब्द लगते हैं वैसे कोई लोग बोलते हैं, कभी कभी ऐसे शब्द कोई बोलते हैं जो कानों को अच्छे नहीं लगते हैं, कभी कभी ऐसे रूप आते हैं बहुत ही आकर्षण अट्रैक्टिव लगते हैं, आकर्षित लगते हैं। आप देखते हैं कभी कभी आप जाते हैं मॉल में, हम गए थे लंदन में, तब मॉल में हम गए थे, हमको मॉल दिखाने के लिए ले गए थे कि समझ जी आप पहली बार लंदन में आए हैं, वापस कब आएंगे, आप मॉल देख ले। तो मॉल में देखा तो इतने अट्रैक्टिव, इतने सारे पदार्थ, दंग रह गए, हम सोचे आप लोग कैसे इसमें चॉइस करते होंगे, कैसे लेने के लिए, इतने सारे अट्रैक्टिव पदार्थ थे, जैसे ले देखते ही चाहे मन कर रहा था ये चीज ले ले, हमारा तो नहीं लेकिन लोगों का मन हो जाता है, क्योंकि हमारा तो संयम होता है कि हमको तो इतनी ड्रेस रखनी है उसे ज्यादा नहीं रखनी है, केवल हम तो देख रहे थे लेकिन लोग देख रहे थे, कितने सारे लेने के लिए आतुर हो रहे थे। तो जब हमारा इंद्रियों का संयम नहीं होता है तो हमारे पास कितनी ड्रेसेस होती है, लेकिन जैसे ही व्यक्ति मॉल में जाता है उस समय इतने घर में ड्रेसेस है, सब कुछ है, टीवी सेट है, सोफा सेट है, सब कुछ है, लेकिन उनका मन क्या करता है, ये भी ले लूं वो भी ले लूं, उससे क्या होता है, हमारा संयम नहीं होता है तो बाहरी भौतिक जो भी हम पदार्थ देखते हैं हमारा मन ललचा जाता है। इसलिए हमें क्या करना है, जो हमारी पांचों इंद्रियों के विषय हैं उनको हम कंट्रोल में कैसे करें, क्योंकि हमारे सामने दृश्य तो सारे आएंगे, अच्छे बुरे सारे आएंगे, लेकिन भगवान महावीर कहते हैं उसमें हमें न तो राग करना है न द्वेष करना है, केवल साक्षी भाव तटस्थ भाव से हमें देखना है, जो भी रूप शब्द स्पर्श स्मेल जो भी आते हैं उनको हम केवल साक्षी भाव से देखें, न उसके प्रति हम राग करें न उसके प्रति हम द्वेष करें। वो कब संभव होगा, जब हमारी इंद्रियां जो पांचों इंद्रियां हैं उनको हम कंट्रोल में करेंगे, बस में रखेंगे, और साथ में हमारा मन, क्योंकि मन तो हमारा बड़ा चंचल है, अभी सपोज आप प्रवचन में भी बैठे हैं शरीर से, लेकिन मन तो पता नहीं क्या क्या प्लानिंग बनाता होगा, बहुत कम होते हैं जो माइंडफुलनेस के साथ सुनते हो, भावक्रिया के साथ सुनते हो। भावक्रिया का मतलब क्या होता है, आज का शब्द है माइंडफुलनेस, यानी जो भी हम काम करें उसी में हमारा मन रहे, लेकिन हमारा मन भटकता रहता है, शरीर कुछ करता है मन कुछ करता है, इसका मतलब है हमारा संयम नहीं है इंद्रियों के प्रति और मन के प्रति। हम आज के दिन संकल्प करें कि हमारी जो पांचों इंद्रियां हैं मन है उसको हम कैसे कंट्रोल में कर सकते हैं, उसके लिए हमें त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम त्याग नहीं करते हैं तब तक हम क्या है, कहीं भी जाते हैं हमारा मन ललचा जाता है। कई बोलते त्याग करने से क्या फायदा, हम ऐसे भी नहीं लेते हैं, अगर आपके त्याग हो गया है उसके बाद आपकी पूरी रक्षा होगी, सुरक्षा होगी, यदि आपने त्याग नहीं किया है, सपोज आपने आपका जो गेट है आपने बंद कर दिया, लेकिन जब तक आपने लॉक नहीं किया तब तक आपके मन में क्या डर रहता है, कोई चोर ना आ जाए, कोई घर में ना आ जाए, लेकिन आपने लॉक कर दिया उसके बाद आप आराम से सो जाते हैं, अब सोचते हैं लॉक कर दिया आप कोई भी घर में प्रवेश नहीं कर सकता है, वैसे ही त्याग भी क्या है, एक प्रकार का लॉक है,
जब लोक हो जाता है तब हम हमारे सामने कितने भी दृश्य आ जाए, कितने भी पदार्थ आ जाए, हमारा मन नहीं करता है लेने के लिए। हमें त्याग करना चाहिए, छोटे छोटे त्याग। आप ज्यादा बड़े त्याग ना करें, लेकिन छोटे छोटे त्याग आपको लास्ट में हम रक्षा कोटि भी देंगे। तो छोटे छोटे त्याग है, बहुत सारे त्याग है, उनमें से एक त्याग भी आप करें। सभी को त्याग करना जरूरी है, तो छोटे छोटे हम त्याग करें प्रतिदिन। सबसे छोटे छोटे त्याग है 14 नियम। जो श्रावक होते हैं उनको प्रतिदिन 14 जो नियम होते हैं, छोटे छोटे त्याग है, रोज के त्याग। उसमें कुछ भी नहीं है, रोज की कमाई करना है। आप जैसे जॉब करते हैं तो रोज की कमाई करते हैं, वैसे ही आत्मा के लिए भी रोज की कमाई है, वो 14 नियम है। तो 14 नियम हम प्रतिदिन करें। उसमें छोटे छोटे हैं कि आज मैं इतने द्रव्य से ज्यादा नहीं खाऊंगा, आज मैं एक बार से ज्यादा स्नान नहीं करूंगा, आज मैं 2 जोड़ी से चप्पल ज्यादा नहीं पहनूंगा। छोटे छोटे त्याग है, आपकी जैसी भी इच्छा हो, छोटे छोटे जो त्याग है उससे कितने कितने पापों से हम बच सकते हैं। जो पाप निरंतर हमारी आत्मा पर लग रहे हैं, एवरी मोमेंट कहा जाता है, एक गुण स्थान से लेकर के 13 गुण स्थान तक, यानी फर्स्ट से 13 गुण स्थान तक प्रत्येक संसारी जीवों के निरंतर कर्म का बंधन हो रहा है। तो यदि हम त्याग करते हैं उससे क्या होता है, अव्रत का जो गेट होता है वो क्लोज हो जाता है। अव्रत के गेट को क्लोज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। तो छोटे छोटे त्याग, आप खाना खा लेते हैं, खाना खा के आप ऐसे भी कुछ नहीं खाते हैं, ऐसे भी कहा जाता है हेल्थ के लिए कि हम खाना खाने के बाद हमें 1.5 घंटा तक पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि 1.5 घंटे तक हमारी जठर होती है, जो अग्नि होती है जठर में, वो जठराग्नि जलती है, उसके ऊपर हम यदि पानी पी लेते हैं तो क्या होता है, वो जठराग्नि होती वो शांत हो जाती है, बुझ जाती है, तो जिससे खाना डाइजेस्ट नहीं होता है। तो खाना हमारा प्रॉपर डाइजेस्ट हो उसके लिए हमें खाना खाने के बाद 1.5 घंटा तक पानी नहीं पीना चाहिए। यदि आप पानी पी लेते हैं तो आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होता है। इसलिए आजकल देखते कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, किसी को एसिडिटी हो रही है, किसी को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रही है। वो क्यों हो रही है, क्योंकि आप जानते नहीं कि कब खाना है कब पीना है। तो खाना खाने से पहले 40 मिनट पहले पानी पीना चाहिए, और 40 मिनट के बाद खाना खाएं, और खाना खाने के बाद 1.5 घंटा के बाद पानी पीना चाहिए, जिससे आपका त्याग हो जाए। आप उस समय त्याग कर ले कि मुझे 1.5 घंटा पानी नहीं पीना है, 1.5 घंटे का चौयार आप कर सकते हैं। ऐसे खाना खाने के बाद हमें कम से कम 3 से 4 घंटा तक नहीं खाना चाहिए, आप टीवीआर कर ले 3 से 4 घंटा तक, क्योंकि 4 घंटा आपका आराम से टीवीआर आ जाता है। 1-1 घंटे का चौयार करे, पानी पी लिया, आप वापस त्याग करें। तो दिन में भी आप कितना त्याग कर सकते हैं, कहा जाता है 20 घंटा, 24 आवर्स में से 20 घंटा यदि हम चौयार करते तो हमें वर्षी तप जितना लाभ मिलता है। वर्षी तप तो सभी नहीं कर सकते हैं, जिसका मनोबल पक्का होता है वही वर्षी तप कर सकता है, हर कोई नहीं कर सकता है। लेकिन खाते पीते भी आप वर्षी तप कर सकते हैं, 24 आवर्स तो आप ऐसे भी नहीं खाते हैं, ओनली 4 घंटा भी आप नहीं खाते होंगे, कोई 1 घंटा 2 घंटा दिन भर में आप कितने घंटे खाना खाते हैं, शायद 2 घंटा 3 घंटा। भारती जी कितने घंटे खाना खाते हैं, 1 घंटा खाते हैं 2 घंटा, कितने घंटे खाते हैं? हाँ कोई बात नहीं, अब म्यूट है। तो कोई 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटे से ज्यादा कोई भी शायद नहीं खाता होगा, लेकिन हमारा उपयोग नहीं है। यदि हम उपयोग करें रखें कि खाना खाया नाश्ता किया तुरंत ही हम क्या करें, त्याग करें। इसीलिए कहा जाता है लड्डू खाना मोक्ष देना, खाते पीते मोक्ष। खाते पीते मोक्ष कैसे हो सकता है, खाया और त्याग किया, खाया और त्याग किया। यदि हम कभी भूल जाते हैं खाना खा के, त्याग नहीं करते हैं, तो हमें दुख होता है कि देखो मेरा टाइम बिना त्याग का चला गया। अब मनुष्य है तो कितने त्याग कर सकते हैं, बाकी प्राणी कोई त्याग नहीं कर सकता है, किसी में उपयोग भी नहीं होता है। और हम जैन है इसीलिए कर सकते हैं, कितने सारे मनुष्य तो है लेकिन जैन नहीं है, नॉन जैन है, वो जानते भी नहीं है त्याग कैसे करना होता है। आप कितने भाग्यशाली है मायामी वाले, आपको समणी जी का सानिध्य मिलता है, और भी जो बड़े बड़े स्कॉलर्स होते हैं उनका भी सानिध्य मिलता है, प्रवचन सुनते हैं, आपको कितनी जानकारी मिलती है, नॉलेज मिलता है। तो उसके साथ साथ आप नॉलेज का उपयोग करें। यदि नॉलेज का हम उपयोग नहीं करते फिर वो नॉलेज का क्या लगेज बन जाता है, वो फिर भार बन जाता है। इसलिए हमारा नॉलेज लगेज न बने, हम नॉलेज का उसका यूज करें, और हम क्या करें, छोटे छोटे त्याग करें, 14 नियम करें, खाते पीते हम त्याग करें। उसके साथ साथ हम
बारह व्रती श्रावक भी बन सकते हैं, आप चाहे तो बारह व्रती श्रावक भी बन सकते हैं, तो बारह व्रतों की आप साधना कर सकते हैं, उससे भी काफी हम पापों से बच सकते हैं। जो पहाड़ जितने पाप आ रहे थे वो राई जितने बन जाते हैं यदि हम बारह व्रती श्रावक बन जाते हैं। भगवान महावीर स्वामी के तो कितने श्रावक थे, उसमें प्रमुख श्रावक थे आनंद आदि कामदेव आदि 10 श्रावक थे, वो 10 श्रावक थे क्योंकि उन्होंने उनके पास इतनी संपत्ति थी, उन सबका त्याग किया था, इसलिए आज भी हम उनका नाम लेते हैं। तो हमें क्या करना है, बारह व्रती श्रावक बनना है आत्मा की रक्षा करने के लिए। उसके साथ हमें क्या करना है, आत्मा की रक्षा करने के लिए ध्यान करना, मेडिटेशन। मेडिटेशन से भी बहुत ज्यादा कर्मों की निद्रा होती है। आचार्य महाप्रज्ञ जी तो यहाँ तक कहा करते थे, एक व्यक्ति 2 दिन का उपवास करता है, यानी छठ करता है, एक दिन एक व्यक्ति आधा घंटा शुद्ध मन से ध्यान करता है, एकदम कंसंट्रेट होकर ध्यान करता है, तो दोनों में लाभ बराबर होता है। आधा घंटा ध्यान करना, हर कोई व्यक्ति 2 दिन भूखा नहीं रह सकता, लेकिन आधा घंटा ध्यान तो यदि हम प्रैक्टिस करें तो हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। उसमें भी हमारी आत्मा की कितनी शुद्धि होती है, आत्मा की जितनी जितनी शुद्धि होती जाएगी आत्मा प्योर होती जाएगी, जितनी आत्मा प्योर होगी उतनी आत्मा की ऊर्ध्व गति होती जाएगी, जितनी आत्मा इनप्योर रहेगी उतनी आत्मा की अधोगति हो जाएगी, यानी अधोगति यानी नरक गति, तिरंज गति, निगोद में चले जाएंगे। हम मनुष्य बने हैं तो हम ऐसा कोई काम न करें जिससे हमें नरक में जाना पड़े, जिससे हमें तिरंज गति में यानी एनिमल्स हैं बर्ड्स से वो हमें बनना पड़े, और निगोद यानी लीलन फूलन जमी कंद हमें बनना पड़े, ऐसा हमें कोई काम नहीं करना है। हमें क्या करना, आत्मा की रक्षा करने के लिए हमें ध्यान करना है और स्वाध्याय करना है। प्रतिदिन स्वाध्याय करें, कम से कम एक पेज पढ़े, नया पढ़े, जितना आप पढ़ेंगे उससे आपको नया नॉलेज गेन होगा। केवल हम सुनते हैं लेकिन उसको अप्लाई ना करें वो भी नहीं, सुने उसका अप्लाई भी करें और साथ साथ में संकल्प करें 5 पेज पढ़े तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बुक आप चालू रखें। जो 32 आगम है आपके तो बहुत अच्छे, मंदिर में 32 आगम है, हम तो बहुत उसका उठते ही हमारे दिन की शुरुआत ही आपके आगम से ही हम करते हैं, मंदिर से हम रूपल हमें आगम लाके देती है और हम उनका स्वाध्याय करते हैं, तो हमने सैकड़ों पेजों का स्वाध्याय कर लिया है। प्रतिदिन हमारी शुरुआत ही आगम से होती है, तो हमने प्रश्न व्याकरण अभी हमारा चल रहा है, प्रज्ञापना जो 3 भाग थे उसको भी पढ़ लिया, जीवा जीवा अभिगम था उसको भी पढ़ लिया, ठारंग सूत्र था लगभग 1000 सुपर पेज उसको भी पढ़ लिया। तो प्रतिदिन हम थोड़ा थोड़ा आधा घंटा स्वाध्याय करते 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 कितना स्वाध्याय हो जाता है, अगर आप आधा घंटा नहीं तो कम से कम 5 मिनट हम स्वाध्याय करेंगे, बिना 5 मिनट स्वाध्याय करेंगे। यदि आप संकल्प करते हैं तो मैंने कहा था पहले संकल्प से सिद्धि होती है, संकल्प करने वाले को सिद्धि मिलती है, तो हमें क्या करना, आत्मा की रक्षा करने के लिए क्या करना है, ध्यान करना है और स्वाध्याय करना है। उसके साथ हमें क्या करना है, जो हमारी इंद्रियां बड़ी चंचल है उनको वश में करने के लिए हमें क्या करना है, सर्वेंद्रिय संयम मुद्रा। आप देख रहे हैं सर्वेंद्रिय संयम मुद्रा कैसे करना है, आप जान गए, आप प्रतिदिन 5 मिनट के लिए करें, इससे आपको इतनी पीस की अनुभूति होगी, शांति की अनुभूति होगी कि बाहर में ऐसे लगेगा बाहर की दुनिया तो बेकार है, बस मैं अपनी आत्मा में ही रहूं, तो आपको बड़ा आनंद आएगा। आप करके देखेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, आप देख सकते हैं, अभी करके देखना चाहे तो आप अभी कर सकते हैं, नहीं तो आप इस पिक्चर को ध्यान में रख करके बाद में भी आप प्रयोग कर सकते हैं। आत्मरक्षा का पहला प्रयोग है सर्वेंद्रिय संयम मुद्रा, आपको शायद समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रयोग है, क्योंकि वर्तमान की जो लाइफ है भाग दौड़ की लाइफ है, तो वर्तमान में कोई भी व्यक्ति क्या है, किसी के पास टाइम नहीं है, आई एम वेरी बिजी नो इजी, हमारे पास टाइम नहीं है। हर व्यक्ति कहेगा, चाहे एकदम छोटा सा व्यक्ति है चपरासी है, चाहे बड़ी पोस्ट पे है, सभी कि यही कंप्लेन होती, आई एम वेरी बिजी नॉट इजी। हम तो बोलते हैं हम बहुत बिजी है, हम नॉट बिजी, तो हम बिजी नहीं है, हम इजी है, हमने अपने आप को बिजी कर रखा है। तो हमें क्या करना है, थोड़ा टाइम हमें अपनी फैमिली के लिए आप टाइम निकालते हैं, बॉडी के लिए टाइम निकालते हैं, बॉडी के लिए टाइम जैसे आप स्नान करते हैं, खाना देते हैं, वो बॉडी के लिए हो गया, जॉब करते हैं वो अपने लिए भी है, फैमिली के लिए है, लेकिन वो आपको जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ हमारी आत्मा के लिए भी हम कुछ करें, क्योंकि आप ध्यान करेंगे उससे आपकी आत्मा प्योर होगी और आपको एकदम पीस की अनुभूति होगी, नहीं तो आप
पूरा दिन दौड़ धूप करते हैं, फिर इतने थक जाते हैं, फिर स्ट्रेस हो जाता है, फिर स्ट्रेस से क्या हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। तो फ्रस्ट्रेशन वो सारा क्यों होता है, क्योंकि हम दौड़ धूप ज्यादा करते हैं, अपनी आत्मा के लिए जो साथ में जाने वाला उस पर ध्यान नहीं देते। हम थोड़ा ध्यान करें, ज्यादा नहीं तो 10 मिनट हम करेंगे, छोटे छोटे संकल्प करके 10 मिनट मुझे ध्यान करना है। आसन भी जरूरी है, एक्सरसाइज भी, क्योंकि हमारी बॉडी हेल्दी होगी तब हम मेडिटेशन कर सकते हैं, तब हम स्वाध्याय कर सकते हैं, तब हम मतलब स्वाध्याय ध्यान जो भी हमें करना है वो कब कर सकते हैं, जब हमारी बॉडी हेल्दी होगी। प्राणायाम भी जरूरी है, क्योंकि प्राणायाम से ऑक्सीजन प्रॉपर हमारे बॉडी में जाता है। जब प्राणायाम से प्रॉपर ऑक्सीजन जाएगा हमारा ब्रेन भी अच्छा काम करेगा, लास्ट तक भी अच्छा काम करेगा। इसलिए हमें क्या करना है, हमारी बॉडी भी हेल्दी रहे, बॉडी हेल्दी होगी तो हम आत्मा के लिए भी कुछ समय निकाल सकते, वरना हमारा बॉडी के पीछे टाइम जाता है, डॉक्टर के चक्कर लगे रहते हैं, इतने पैसे भी खर्च होते हैं और साथ में उतना टाइम भी हमारा वेस्ट होता है। तो थोड़ा हम अपने लिए 1 घंटा यदि हम अपने लिए निकाल लेते हैं बॉडी के लिए, 1 घंटा हम आत्मा के लिए निकाल ले तो भी बहुत है। उतना भी निकालते हैं तो हमें भी संतोष रहेगा कि हमें मनुष्य हमें हम बने तो हम कुछ कर रहे हैं, वरना तो दूसरे लोग जी रहे वैसा ही हमारा जीवन जी रहे हैं हम लोग, हम कुछ भी नया नहीं कर रहे। हमें क्या करना है, कुछ प्रयोग करना है। तो आप याद रखेंगे रक्षाबंधन के त्योहार पे ये संकल्प लेना है कि हम ध्यान करेंगे 10 मिनट, हम 15 मिनट एक्सरसाइज करेंगे, 10 मिनट हम प्राणायाम करेंगे, हम 1 घंटा अपने लिए निकालें। और ये जो राखियां हैं आपको दिख रही है, रंग बिरंगी राखी है, आपको राखियां आज दी जाएगी, क्योंकि बहन आज के दिन क्या करती है, भाई को राखी देती है। हम तो आपकी बहन और बेटियां हैं, क्योंकि हमने घर छोड़ दिया इसलिए हमारे सारे भाई हैं और हम सबकी बहनें हैं। तो आपको जो राखियां दी है, तो आपको कौन कौन सी राखी दी जाएगी, तो पहले मैं आपको गीत सुनाती हूँ, उसके बाद आपको राखियां बताती हूँ। रक्षाबंधन का दिन आया, रक्षाबंधन का दिन आया, राखी बांधो सो भाई, रंग बिरंगी सदा सुरंगी, राखियां ले लो ओ बहनों। बहनों को भी बांधूंगी, भाइयों को भी बांधूंगी। आप तो केवल अपने भाई को बांधेंगे, लेकिन मैं तो सब भाइयों को भी बांधूंगी और सब बहनों को भी बांधूंगी। इसीलिए कौन कौन सी राखी है हमारे पास, दर्शन ज्ञान चरण धागा स्यों राख्या गूंथी अलबेली। ये राखी कौन से धागे से बांधी है, ज्ञान दर्शन और चारित्र के धागों से बांधी हुई ऐसी पवित्र राखी आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। जर्मन चले जाओ, जापान चले जाओ, लंदन चले जाओ, आप अमेरिका में रहते अमेरिका में भी शायद आपको दर्शन ज्ञान चरित्र के धागों वाली राखी शायद नहीं मिलेगी। सामान्य धागे की राखी मिल सकती है, लेकिन ऐसी राखी आपको नहीं मिलेगी। और राखी में हमने क्या किया है, साथ में श्रद्धा की रोली मोली है, उसमें श्रद्धा की रोली मोली है और सहिष्णुता गुड चमली है। सहिष्णुता का तो गुड डाला है और उसमें जो चमली होती वो भी हमने डाली है सहिष्णुता की। अक्षय उजला है भावारा, अक्षय उजला है भावारा, सब जाओ सब ले जाओ मन चाही। बहुत सारी राखियां हमारे पास है, अभी आपको दिखाई जाएगी, उनमें से आपकी जो भी इच्छा हो उसमें से आपको एक राखी तो अवश्य आपको लेके जाना है, बिना राखी आपको नहीं जाना है। घणे हेज्यों बांधा थाने, घणे हेज्यों बड़े स्नेह से हम आपको राखी बांध रहे हैं। घणे हेज्यों बांधा थाने, बांधो से भाई, घणे हेज्यों बांधा थाने, हाथा में राखी भारी, करो अथाया पखवाड़ा और मास खमणरी तैयारी। अब क्योंकि संवत्सरी महापर्व आ रहा है, पर्युषण महापर्व आ रहा है, तो उसकी तैयारी भी तो करनी पड़ेगी ना। आपके घर में जब शादी होती है तो आप क्या करते हैं, पहले तैयारी कराते हैं, सारे मकान की धुलाई कराते हैं, सारे जाले होते हैं उसको निकालते हैं, फिर डेकोरेट करते हैं, कितना करते हैं। तो महापर्व आ रहा है तो उसके लिए तो डेकोरेट कितना करना पड़ेगा, आत्मा को डेकोरेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
करो अठाया पखवाड़ा और मास खमन रही तैयारी। अठाई हो तो अठाई करना है, पखवाड़ा यानी 15 दिन की तपस्या और महीने की तपस्या, मास खमन की तपस्या, क्योंकि आज चातुर्मास का 1 महीना पूरा हो गया है, अभी भी चातुर्मास के 3 महीने बाकी, उसमें आप चाहे तो मास खमन कर सकते हैं। इंडिया में तो, भारत में तो इतने लोग मास खमन करते हैं, कितने लोग तो 15 दिन की तपस्या करते हैं, अठाई तो कॉमन है, और सावन और भादवा तो एकांतर तप करते हैं काफी लोग। तो आप कम से कम 28-15 दिन मास खमन, जो भी आपकी तैयारी इच्छा हो उसकी तैयारी कर ले अभी से, क्योंकि कल से भाद्रो मास प्रारंभ हो रहा है राजस्थान के हिसाब से, गुजराती का तो अभी सावन ही चल रहा है। भाग्यो आवे है भादुड़ो, भाग्यो आवे है भादुड़ो, तपस्या प्रीत करो भाया, क्योंकि भाद्रो मास में विशेष रूप से तपस्या की जाती है। तो अब भाद्रो मास प्रारंभ हो रहा है तो हमें क्या करना, विशेष तपस्या की आराधना करनी है। यदि तपस्या नहीं कर सकते तो आपको क्या करना है, सामायिक स्वाध्याय मौन और द्रव्यारी हो पचरंगी। पचरंगी भी कर सकते हैं, भारती जी ध्यान देंगे तो सामायिक की पचरंगी, यानी 5 व्यक्ति 5 सामायिक करेंगे, 5 व्यक्ति 4 सामायिक करेंगे, 5 व्यक्ति 3 सामायिक करेंगे, 5 व्यक्ति 2 सामायिक करेंगे, 5 व्यक्ति 1 सामायिक करेंगे, ऐसे करके पचरंगी होती है। तो कितने लोग चाहिए हमें, 25 लोग चाहिए तब पचरंगी होती है सामायिक की। स्वाध्याय की भी पचरंगी करा सकते हैं कि 5 लोग 5 घंटे का स्वाध्याय करेंगे, 5 लोग 4 घंटे का, 5 लोग 3 घंटे का, 5 लोग 2 घंटे का, 5 लोग 1 घंटे का, जैसे जिसकी सुविधा हो। तो पर्युषण के दिनों में ये सब आपको पचरंगी करनी है, और उसके साथ साथ मौन की पचरंगी। तो मौन की पचरंगी तो इजी है बहुत, उसमें 5 घंटे का मौन 5 व्यक्ति करेंगे, 5 व्यक्ति 4 घंटे का मौन, 5 व्यक्ति 3 घंटे का मौन, 5 व्यक्ति 2 घंटे का मौन, और 5 व्यक्ति 1 घंटे का मौन। तो जिस ऐसे नहीं कि नींद आने के बाद करना है, जागते हुए करना है, ऐसे नहीं कि रात को सो जाएंगे 5 घंटे का मौन पचर के सो जाएंगे, ऐसा नहीं करना है। तो जागते समय, जब तक आप जागते हो तब तक आपको मौन करना है। तो भारती जी पूरा ध्यान देंगे, मौन की पचरंगी भी करानी है। तो आप कितना हमारा हेल्प करते हैं, हमारी तो बहुत हमारा तो प्लानिंग है कि हमें क्या क्या कराना है, कि मायामी वालों लोगों को हमें जगाना है, जागे हुए तो है द्रव्य नींद से, तो भाव निद्रा से भी जगाना है, और उसके साथ साथ द्रव्यों की भी हमें सीमा करना है, लिमिट करना है, यानी द्रव्यों की सीमा 8 दिन तो हमें कम से कम 9 द्रव्य से ज्यादा नहीं खाना है, वो लिमिट कर सकते हैं। 9 द्रव्य से अगर काम न चले तो 11 द्रव्य, उससे ज्यादा तो हमें पर्युषण के दिनों में लेना ही नहीं है। अगर किसी को दवाई चल रही है तो दवाई को छोड़ करके, मंजन को छोड़ करके 11 द्रव्य से ज्यादा नहीं खाएंगे, 9 द्रव्य से ज्यादा नहीं खाएंगे, उससे कम करें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 9 द्रव्यों से या 11 द्रव्य से ज्यादा तो हमें लेना ही नहीं है, ऐसा आप कर सकते हैं। आपकी एक राखी ये भी है, पर्युषण में करनी मिलकर उपवासारी पचरंगी, उपवास की पचरंगी भी करना है, ठीक है। तो उपवास की पचरंगी पता नहीं माया में कभी किसी ने की या नहीं की, अगर हो तो बहुत अच्छी बात होगी, पहली बार पचरंगी होगी। तो मुझे विश्वास है कि माया में वाले लोग हैं वो समणी जी की बात को जरूर एक्सेप्ट करेंगे और पचरंगी भी प्रारंभ करेंगे। हिम्मत चाहिए, कुछ नहीं है, अनादि काल से हमने खाया है। तो 5 दिन अगर 5 भाइयों को 5 उपवास करना है, 5-5 यानी पंचोला, 5 भाइयों को चोला, 5 भाइयों को तेला, 5 भाइयों को बेला और 1 उपवास। 1 उपवास तो ईजी है, लेकिन पंचोला चोला थोड़ा कठिन हो सकता है नहीं करने वालों के लिए, लेकिन आप मनोबल पक्का होता है तो पंचोला भी कर सकते हैं, चोला भी कर सकते हैं। मैंने तो कहा नहीं, भारतवासी तो मास्कमन भी करते, तो आपके भी तो भारत का ही अन्न खाया हुआ है, आप भी कर सकते हैं, आप भी किसी से कम नहीं है। और हम क्या है, आपकी बहन बेटियां, बहन बेटियां में हाथारी, बहन बेटियां में हाथारी, खाली हाथा क्यों जावा, क्योंकि हम आपकी क्या है, बहन है या बेटी है, इसलिए हम खाली हाथ तो जाने वाले नहीं है, तो इसलिए आपको कुछ तो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आज आपने अपने भाई को बांधी है राखी, तो भाई ने आपको कुछ दिया है कि नहीं दिया गिफ्ट, तो वैसे हम भी आपकी बहन है बेटी है, तो आप भी हमको कुछ ना कुछ गिफ्ट जरूर देंगे, क्योंकि हम खाली हाथ से जाने वाले नहीं है। भरत जो खाली झोलिया मारी, हमारी झोली तो खाली है, आप हमें भर के देंगे तो हमें आनंद आएगा कि माया में वाले लोग कितने अच्छे हैं, जो मांग करते वो मिल जाता है, फिर और हम आपको नई नई राखियां देते जाएंगे।
भरद्यो खाली झोल्या मारी मधुर मिठाया नहीं चावा। हमको मिठाई नहीं चाहिए, हमको सोना भी नहीं चाहिए, चांदी भी नहीं चाहिए, हमको रुपया भी नहीं चाहिए, हमको कुछ भी नहीं चाहिए। हमको तो क्या चाहिए, केवल आपके जीवन में जो खोट है, जो कमी है उसको दे दो, और साथ में छोटे छोटे त्यागों की हमें पोटली दे दो। देनो है अब हृदय खोल करके आपको देना है, देनो है अब हृदय खोल कर कंजूसी मत थे कर जो। कंजूसी नहीं करना है, आप में जितनी एनर्जी है जितनी शक्ति है उसका पूरा उपयोग करना है कि हम समणी जी को बहुत सारे गिफ्ट देंगे, बिल्कुल भी हम कंजूसी नहीं करेंगे। आपको राखी में कौन कौन सी है देखिए, आप राखी ये सारी राखियां हैं, कितनी सारी राखियां आप मन पसंद आप पसंद कर ले, जो भी आपको इच्छा हो इसमें से कोई भी एक राखी चॉइस कर ले। सारी राखी चॉइस करें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सारी राखी तो आप शायद चॉइस नहीं करेंगे, लेकिन इनमें से आप कोई भी एक राखी पसंद कर ले जो भी है। तो आपको शायद भारती जी आपको सबको भेज दिया है या भेजने वाले हैं, उनमें से आप राखी पसंद कर ले। ये रक्षा पोटली है, इससे आपकी आत्मा की रक्षा होती रहेगी और पाप कर्मों से आपकी आत्मा हल्की होती जाएगी, और जिससे जो हमारा गोल क्या है मोक्ष को पाना, उस गोल तक हम पहुंच सकते हैं। उसके लिए छोटे छोटे पहले गोल बनाना शुरू करें, तो छोटे छोटे त्यागों से हम जो लास्ट सीढ़ी है 14 नंबर की जो मोक्ष, उनको पार करके हमें मोक्ष जाना है, तो वो कब हो सकता है, जब हम छोटे छोटे जीवन में हम त्याग अपनाए। तो हमें विश्वास है कि हमारे बड़े समणी जी ने सुबह सुबह उठ करके इतनी मेहनत करके इतनी राखियां तैयार की है, तो हमें विश्वास है कि माया निवासी लोग जरूर इन राखियों को एक्सेप्ट करेंगे, और हो सके तो एक एक में 25-25 लोग हो जाए तैयार। तो कितने सारे लोग हैं यहाँ पे, तो 100-125 घर हैं, तो कितने सारे लोग हो सकते हैं, और अपने रिलेशन में जो भी हैं उनको भी, रिलेटिव्स हैं उनको भी भेज सकते हैं ये राखी है। आपको चाहिए तो ये आपको साधना करनी है, ये पर्युषण के 8 दिन के दौरान आपको 125,000 का जाप करना है नवकार मंत्र का। तो वो सामाई की पचरंगी, मौन की पचरंगी, द्रव्यों की 10 प्रत्याख्यान भी कर सकते हैं। 10 प्रत्याख्यान यानी एक 10 प्रत्याख्यान 10 लोग चाहिए उसमें। 10 लोग उपवास करेंगे, 10 लोग पोर्शी करेंगे, 10 लोग एकासन करेंगे, 10 लोग अभिग्रह करेंगे, 10 लोग निवी करेंगे, आमिल करेंगे, ऐसे करके वो पर्युषण प्रारंभ हो उस दिन वो भी करा सकते हैं। तो बहुत सारे आइटम्स है हमारे पास, आपको चाहिए उतनी आइटम्स मिलने वाली है। आप जो भी मांग करेंगे आपको आइटम्स समय समय पर आपको परोसी जाएगी। तो ये हमारे समणी जी ने, बड़े समणी जी चैतन्य प्रकाश समणी जी ने बड़े श्रम से ये राखी तैयार की है, तो उनका उपयोग किया जाए इसी आशा के साथ। ओम अरहम और भारती जी हैं, वो सबका नाम लिख करके हमको भेजेंगे ताकि हमें पता चलेंगे कितनी हमारी राखी किस किसने दी है, और इस राखी का फिर पूरा पालन करना है। ये राखी का मतलब आपको त्याग करना है, और वो उस त्याग का अवश्य पालन होना चाहिए। बड़े समणी जी चैतन्य प्रकाशन पधार गए हैं, वंदामि नमः।